Hey guys, welcome to Zoom class. My name is Prasad, and in this video we are going to talk about PT experience. So to talk on this issue, we are with us Mr. Abhijit. इन्होंने अभी PT और medical examination stage दोनों complete किया है. Result कल आएगा. फिर भी इन्होंने आज हमारे साथ discuss करेंगे कि इनका experience कैसा रहा PT का और MT का दोनों का. तो सर, first of all we congratulate you from our Zoom class team. Thank you so much. जो PET का और मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, इसको एक बड़ा माइलस्टोन कहा जाता है और कई सारे बच्चे डरते हैं जी. तो आपने वो कवर क्लियर किया है. तो आपका एक एक्सपीरियंस कैसा रहा और क्या सजेशन आप जो है अगले स्टूडेंट्स, जैसे हमारा भी PET होना बाकी, तो उनको क्या सजेशन देंगे? ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा PET का डेट था 26 फरवरी और कल PET हो गया और आज मेडिकल हो गया, तो कल रिजल्ट आने वाला है. ऐसा 2 दिन का प्रोसेस और तीसरे दिन रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है. तो ये सारा जो प्रोसेस है, ये सारी जो प्रक्रिया है, इसको मैं 3 पार्ट में बताना चाहूंगा, क्योंकि ये तीनों पार्ट जो है ये एक एक स्टेप से टुवर्ड्स ढोलपुर हाउस जिसे हम एक सपना देखते हैं कि वहां जाके हमें इंटरव्यू देना है, चाहे वो सिविल सर्विसेज का हो या सीएपीएफ का हो. चलो, तो फिर 3 पार्ट बोले तो मैं पहला स्टार्ट करूंगा कि वहां एंट्री जैसे होती है तो डॉक्यूमेंटेशन, फिर उसके बाद फिजिकल जो होता है उस फिजिकल के बारे में बात करेंगे और एंड में हम बात करेंगे कि मेडिकल कैसा होता है. सर, उसमें जो डॉक्यूमेंट है उसमें कई सारे स्टूडेंट में जो डैफ है तो प्री इंटरव्यू सेव किया था, लेकिन फाइनल सबमिटेड डैफ है वो सेव नहीं किया था. तो वहाँ पे कोई तकलीफ आई, वैसा कोई कैंडिडेट आपके साथ था क्या, तो उन्होंने क्या स्टेज ली, ये भी आपका एक्सपीरियंस में होगा तो ये भी बच्चों को बता सकते हैं. देखिए, डॉक्यूमेंट के बारे में आपको सबसे पहले बहुत केयर लेनी पड़ेगी. डॉक्यूमेंट्स के मतलब मैं शुरुआत से बताना चाहूंगा कि डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट होते हैं. जो 10वीं का डॉक्यूमेंट, जो पासिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं उसे, जिसपे आपका डेट ऑफ बर्थ मेंशन होता है, वो इम्पोर्टेंट है. उसके बाद आपका डिग्री का सर्टिफिकेट इम्पोर्टेंट है. उसके बाद अगर आप किसी कास्ट से बिलोंग करते हो तो उस कास्ट का सर्टिफिकेट लगता है, आइडेंटिटी कार्ड लगता है. ये बेसिक डॉक्यूमेंट से आपको लेके ही जाना पड़ेगा. और मार्कशीट ऑफ ग्रेजुएशन के मार्कशीट आपको कैरी करना है. वो पूछेंगे नहीं पूछेंगे ये डिपेंड करता है कि वो बोर्ड कैसा है. ओके. और जो इसने डाउट पूछा, जैसे हमारे साथ 2 स्टूडेंट्स थे, इन्होंने डैफ का फाइनल कॉपी लिया नहीं था और प्रिंट प्रीव्यू भी था बस. तो ऐसा कुछ केस हुआ? एक्चुअली ऐसा बहुत सारा लोगों के साथ हुआ है, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं था कि प्रिंट प्रीव्यू निकालना है, कि मतलब उसका फाइनल भी वो प्रिंट आउट लेना है. तो उसका एक सिंपल सॉल्यूशन मैं आपको बताना चाहूंगा कि आपको यूपीएससी को मेल करना है. जैसे आप मेल करेंगे तुरंत उनका रिप्लाई आता है और वो आपको आपका जो रहेगा डाउनलोड करने का वो आपको सेंड कर देते. तो पैनिक होने की जरूरत नहीं, यूपीएससी आपको बहुत ही कोऑपरेशन करेगा, इसलिए आपको सीधा उनको मेल करना है, वहां से रिप्लाई आ जाएगा. सो डोंट वरी. यूपीएससी का जो मेल ईमेल आईडी है वो यूपीएससी की साइट पे उनका जो कॉन्टेक्ट है उसमें feedback@upsc.gov.in इसके ऊपर मेल कीजिए और एक बार उनको कॉल भी कीजिए तो बहुत कोऑपरेटिव है और वो एक ही दिन आपको वो डैप आपको भेज मिल सकता है. ओके. उसकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं. उसके बाद आएगा आपका सर. और उसके बाद हाँ, एक और इम्पोर्टेंट चीज, आपने फॉर्म फिलअप करते वक्त जो फोटो लगाया था अगर वो आपके पास अवेलेबल है तो कोशिश करिए कि वही आप लेके जाए. एडमिट कार्ड पे जो है वो, अगर वो नहीं है तो लेटेस्ट फोटोग्राफ लेके जाइए और उनको रिक्वेस्ट करिए कि लास्ट वाला फोटोग्राफ हमारे पास नहीं है तो हम ये लगा देंगे. अच्छा, चलो. तो ये इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंटेशन के बारे में. लेकिन डॉक्यूमेंट के साथ साथ हमें क्या क्या लेके जाना है ये भी बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां जाने के बाद लोग पैनिक हो जाते हैं, लोग घबरा जाते हैं, इधर उधर चहल मचल करने लगते हैं. तो क्या क्या ले जाना है? तो स्टेपलर सबसे पहले लेके जाना है. फोटो चिपकाने के लिए जो ग्लू होता है, गम होता है, वो लेके जाना है. और आपका जो सेट आप लेके बना के लेके जाने वाला, फोटो कॉपीज जिसे हम कहते हैं, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलग से, उसका फोटो कॉपीज एक सेट बना के लेके जाना है. उसपे सेल्फ अटेस्टेड करके लेके जाना है. साइन भी करना है. एडमिट कार्ड पे स्पेशली मेंशन किया है कि फोटो कॉपीज ऑफ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स विद सेल्फ अटेस्टेड. ओके. तो ये इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको साथ में लेके जाना है. फोटोज 10 से 15 फोटो लेके जाइए. वहां जाने के बाद कुछ भी कम पड़ने की जरूरत ना पड़े. कैंची लेके जाइए अगर आपने पासपोर्ट करके ना रखे हो तो. Okay. ये छोटी छोटी चीजें जो आपको वहां जाने के बाद बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट करेगा. अच्छा. और उसका इम्पैक्ट डायरेक्टली फिजिकल पे पड़ेगा. Okay. तो ये हाँ. और सर, ये जो कॉपीज है, जैसे मार्कशीट हो गया, डिग्री सर्टिफिकेट हो गया, इनकी कितने सेट्स बना के लेके जाने? देखो, उनको तो एक ही चाहिए. Okay.
लेकिन अगर हमसे कोई गलती होते तो सेफ साइड बोल के 2 से 3 सेट तो हमें लेके जाना है, वो हमारे साइड से सेफ साइड, उन्हें सबमिट करते समय हमें एक सबमिट करना है, एडमिट कार्ड कंपलसरी लेके जाना है, विदाउट डैप दे विल नॉट अलाउ यू टू पार्टिसिपेट इन पीईटी, आपको डैप कंपलसरी आपके साथ रखना है। तो ये सर हो गया, डॉक्यूमेंटेशन का कंप्लीट हो गया, उसके बाद अब क्या आते हैं? उसके बाद जिस वक्त आपका डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, जिस जिसका डॉक्यूमेंट हो जाता है उनको अलग से बिठा के उनको वन बाय वन हाइट मेजर करने के लिए, चेस्ट मेजर करने के लिए और वेट मेजर करने के लिए लेके जाया जाता है। तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, आप बाहर मतलब मिलिट्री हॉस्पिटल के बाहर अगर कहीं भी चेक करते हो तो आपकी हाइट जो होती है उससे लगभग 2 सेंटीमीटर से 1.5 सेंटीमीटर उससे कम आएगा, ये पक्का है। मेरा 176 भरता था, 176 सेंटीमीटर, वहां जाने के बाद 174.5 सेंटीमीटर वहां पे काउंट हुआ, कम हुआ। हाँ। और ये वेट का भी कुछ इश्यू है? वेट भी कम हुआ, ज्यादा वेट तो वैसे खाना कम खाते हैं हम उस दिन, इसलिए वेट तो थोड़ा बहुत कम होना ही, उसका कोई इश्यू नहीं। वेट और हाइट के हिसाब से आपका अगर नहीं होता है तो शायद आपको वो रिमेडिकल दे सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि आपका वेट ओवर वेट कितना है। ठीक है, तो डॉक्यूमेंटेशन जब होता है तो डॉक्यूमेंटेशन के बाद हाइट वेट और चेस्ट, चेस्ट के बारे में, हाइट और चेस्ट के बारे में इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि हाइट और चेस्ट बहुत ही स्ट्रिक्टली चेक होता है, उसमें कोई भी कंसेशन, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, कोई भी लीनियंसी नहीं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। और हमारे यहाँ 3 कमांडेंट थे डिफरेंट फोर्सेस से, जैसे कि सीआरपीएफ से कमांडेंट सर थे, आईटीबीपी से एक सर थे, फिर बीएसएफ से एक सर थे, और उनके साथ ही एक सीआरपीएफ से असिस्टेंट कमांडेंट, तो चारों पांचों मिलके वो हाइट चेस्ट और वेट चेक कर रहे थे। उसके बाद वो सब होने के बाद वो ग्राउंड पे लेके जाते हैं। ओके, तो इसके दौरान क्या होता है, जैसे ही आपका डॉक्यूमेंटेशन होता है ये तीनों चीजें चेक हो जाती है तो आपको टाइम मिलता है वार्म अप के लिए, आपको टाइम मिलता है कुछ खाने के लिए, और उसके उसका यूटिलाइजेशन करना है, वहां पे गप्पे लड़ाते नहीं बैठना है, वहां पे टाइम पास नहीं करना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मायने रखता है। क्योंकि मैं देख रहा था कि हम जब हम खुद पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो उसका डायरेक्टली इम्पैक्ट होता है हमारे फिजिकल, उससे परफॉर्मेंस बढ़ता है। वहां पे जाने के बाद हमें क्या लाइट फूड लेना है, आप एप्पल ले जा सकते हो, आप ऑरेंज लेके जा सकते हो, आप चॉकलेट रख सकते हो साथ में, आप ग्लूकोज डी रख सकते हो साथ में, ये सारी चीजें बहुत मैटर करती है। और आपको यदि आपको क्या खाना है तो आप जूम क्लास का जो पहला जो वीडियो बना है कि हमारे डाइट प्लान क्या होना चाहिए एक दिन पहले और उस दिन का, वो आप देख सकते हैं। उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखा है तो आप दे सकते हैं। तो ये सर अब हमने बात की डॉक्यूमेंट्स की, उसके बाद हमारा हम उसके बाद डिस्कस करेंगे मेन पार्ट ऑफ दिस होल थिंग, फिजिकल एग्जामिनेशन टेस्ट। देखो अब इसके बारे में आप तो लगभग 25 तारीख से तो इवेंट शुरू हुए, तो आपको पता ही होगा कि उसमें क्या क्या होता है, 100 मीटर होता है, 800 मीटर होता है, लॉन्ग जंप होता है और शॉर्ट पुट होता है। ठीक है, उसका क्राइटेरिया भी आपको पता होगा, 16 सेकंड, 3.45 मिनट्स, दे 4.5 मीटर और लॉन्ग जंप 3.5 मीटर। ठीक है, ऐसा शॉर्ट पुट 4.5 मीटर। ओके, तो क्या है कि पुणा का अगर मैं स्पेशली बात करूं तो पुणा में सबसे पहले 100 मीटर लिया गया, उसके बाद 800 मीटर, उसके तुरंत बाद लॉन्ग जंप और आखिरी में शॉर्ट पुट। तो 100 मीटर जैसा ही शुरू होता है तो 6-6 के ग्रुप में दौड़ाया गया, उसके बाद 2 या 3 4 मिनट का हमें गैप दिया गया, फिर गैप के बाद 36 बुलाए थे तो हाफ लगभग आधे आधे किए, तो पहली बैच आधे वाली 800 मीटर के लिए दौड़ने लगे, तब तक दूसरी बैच को रेस्ट मिल गया। जैसे फर्स्ट बैच का कंप्लीट होता है दूसरा बैच को तुरंत खड़े कर देते और उनको रन करने के लिए कहा जाता है। जैसे ही सबका 800 मीटर खत्म होता है 2 मिनट में उन्होंने लॉन्ग जंप के लिए सबको खड़ा कर दिया। वो हर इवेंट के पहले आपको रूल्स और रेगुलेशंस बताया करेंगे। हाँ, ये मेन डाउट है। हाँ, वो हर इवेंट के पहले आपको सब चीजें बताएंगे, आपको वहां अटेंटिव रहना है, आपको वहां सुनना है, आपको वो जो बताएंगे उस हिसाब से करना है। वो टेक्निक्स भी बताते हैं करते करते कि आपको लाइन टच नहीं करना है, आपको कहां से दौड़ना है और कैसे दौड़ना है। ठीक है, तो सर ये 800 और 100 मीटर्स इसमें कोई डिस्क्वालीफाई हुआ आपके आज के दिन? देखो हमारे इसमें एक बंदा जो था वो 800 में डिस्क्वालीफाई हो गया। 100 में तो पूरा 100 में तो सब फास्ट थे लगभग, मुझे ऐसा लग रहा है कि पुणे के बच्चों ने बहुत सारी मेहनत ली। उन्होंने बहुत मतलब ऐसा नहीं होता था, लेकिन पुणे की इस बार बहुत ज्यादा बच्चे सेलेक्ट हो रहे क्योंकि दे प्रिपेयर्ड वेरी वेल।
और वो दिख रहा था वहां परफॉर्मेंस में, मैं देख रहा था, मैं सबको ऑब्जर्व कर रहा था। 800 मीटर में भी बच्चे ऐसे दौड़ रहे थे जैसे आर्मी भर्ती जैसे होते, जवान जैसे दौड़ते, उस टाइप में दौड़ रहे थे। इसलिए 100 में तो कोई कट नहीं हुआ, 800 में एक बच्चा डिस्क्वालीफाई होगा। उसके ये जो फिजिकल का है, मैंने सुना है कि वहाँ भी मिट्टी का मतलब ये है और धूल का बहुत इशू हो रहा है। पूना का जो ग्राउंड है वहाँ पे मुझे भी वो थोड़ा प्रॉब्लम हुआ, वो धूल जो था उससे यहाँ पे थोड़ा सा थ्रोट में प्रॉब्लम हुआ, उससे खांसी आने लगे। अच्छा। हाँ, तो उसका आपको थोड़ा सा क्योर करना है, मतलब उसका केयर करना है। इवेंट होने के बाद आप मतलब ढक सकते हैं मुंह पर, मतलब ये आप जितनी केयर करेंगे उतना आपके लिए अच्छा। और जब इवेंट हुए, ये 100 मीटर्स हुआ और 800 मीटर्स हुआ, तो उसके बीच में आपने मतलब क्या टेक्निक्स यूज की, कैसे उसको मतलब स्ट्रेच, जो 100 मीटर के बाद जो बच्चों के पैर में क्रैम्प आते हैं, तो क्रैम्प को रिलीज करने के लिए आपने क्या क्या किया? देखो 100 मीटर जो फर्स्ट इवेंट होता है उसमें हम ज्यादा से ज्यादा पावर यूज करते हैं, तो उस पावर का यूज करने के बाद पैरों में क्रैम्प आते हैं, तो वॉलिनी का या मुंह का स्प्रे आपके साथ रख सकते हो। और जैसे इवेंट खत्म होता है तो थोड़ा सा चलना है, टो पे चलो या एडी पे चलो, थोड़ा सा चलने के बाद उस पर थोड़ा स्प्रे मार दे, उससे थोड़ा सा रिलीफ मिलता है। ठीक है, आप अगर रेगुलर प्रैक्टिस में हो तो कुछ करने की आवश्यकता नहीं। आप थोड़ा सा स्प्रे मार दोगे तो आप तुरंत रिकवर हो जाओगे। और रेस्ट के लिए भी टाइम मिलता होगा, मतलब रेस्ट मतलब ऐसा पूरा टाइम नहीं मिलता, आपके नेक्स्ट बैच का होने तक ही आपको टाइम मिलता है। डिपेंड करता है कि नेक्स्ट बैच कितना टाइम है। हाँ, मेरा तो 36 बुलाए थे, मेरा चेस्ट नंबर 27 था। अच्छा। हाँ, तो उस हिसाब से मुझे सेकंड बैच में था। ओके। तो फिर उस हिसाब से मुझे टाइम मिलेगा। ओके। फर्स्ट बैच को सेकंड का होने तक चांस मिलता है। ओके। ये 100 और 800 होने के बाद लॉन्ग जंप के लिए फिर टाइम ज्यादा। लॉन्ग जंप में एक जरूरी बात बताना चाहूंगा कि हम लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करते कि ग्राउंड का मैदान होता है, थोड़ा गड्ढा होता है, फिर गड्ढे से हम जंप करते, यहाँ ऐसा नहीं। लॉन्ग जंप का जो ग्राउंड है वो पूरा प्लेन है, और उसके हिसाब से मतलब वो प्रैक्टिस नहीं होने के कारण बच्चे डर जाते हैं। लेकिन उसकी जरूरत नहीं है, आपको पैनिक होने का कोई आवश्यकता नहीं है। आप बता रहे थे कि आपका भी कुछ तो मतलब किस्सा था कि वो कमांडर बोल रहे थे कि इस चांस मतलब। हाँ, मतलब मैं लॉन्ग जंप मतलब जो लॉन्ग जंप मारता हूँ, तो मेरा जो रनअप है वो बहुत शॉर्ट है, लगभग 7 स्टेप में लेता हूँ। okay. वो मैंने प्रैक्टिस उस हिसाब से की थी। तो मैं 7 स्टेप पे खड़ा था, कमांडेंट बोल रहे कि मतलब मेरा चेस्ट नंबर लिया और मैंने हाथ ऊपर खड़ा कर दिया, वो बोल रहे थे कि आप पीछे जाओ। मैंने बोला नहीं सर, मैं यही से मार दूंगा। तो फिर वो देख जाएगी कि नहीं चलानी इसकी। हाँ, वो देख रहे थे। तो यहाँ पर ये बात पता चली कि वहाँ पर जो भी फैकल्टी है, जो भी कमांडेंट है, वो बहुत कोऑपरेटिव है। बस ये है कि डिसिप्लिन बना के रखना है, क्योंकि कल बहुत जरूरी है। आप फोर्सेस में आना चाहते हो तो फोर्सेस का दूसरा नाम डिसिप्लिन फोर्सेस है, तो आपको वो मेंटेन करना पड़ेगा। आप जितना डिसिप्लिन रहोगे उतना वो आपको कोऑपरेट करेंगे। कल यही बात दीपक जिन्होंने पीईटी क्लियर किया, जो वीडियो हमने डाले, उन्होंने भी यही बात बोली कि यू हैव टू बी डिसिप्लिन, क्योंकि वहां पर वो बहुत कोऑपरेटिव है, तो आपको बस डिसिप्लिन में रहना है। और कोऑपरेटिव इस वर्ड का मीनिंग गलत से मत लेना, क्योंकि मैंने बहुत जगह मतलब बहुत टेलीग्राम के व्हाट्सएप के मैसेज मैंने देखे कि वो कह रहे कि यहाँ पे गलत हो रहा है, यहाँ लीनेंसी दे रहे हैं, यहाँ कोऑपरेट कर रहे हैं, या मतलब लोग बच्चों को 18 सेकंड में भी 100 मीटर में ले रहे। तो ऐसा कुछ नहीं, नाइदर दे आर टू स्ट्रिक्ट, नाइदर दे आर टू लीनियंट, दे आर डूइंग देयर जॉब प्रॉपरली, दे आर जस्ट फॉलोइंग द रूल्स। तो मतलब ये बहुत मिसकंसेप्शन है, क्योंकि कई सारे बच्चे बोल रहे हैं कि यहाँ के बच्चे ज्यादा हो रहे, वहाँ के कम हो रहे हैं। नहीं, ये ऐसा कुछ नहीं, जो प्रैक्टिस कर रहा है मेरे ख्याल से ये इसका ही नतीजा होगा कि बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो प्रैक्टिस करेगा वो मतलब वो पास होने वाला। हाँ, मतलब मैं यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर आप कोई देख रहा है जो अगले साल प्रैक्टिस करेगा, हमारे साथ 110 kg गौरव गायकवाड़ नाम का एक स्टूडेंट है, 110 kg, उसके हर एक इवेंट आउट ऑफ है। मतलब ऐसा नहीं कि वो 5 दिन आया और उसका हो रहा है, 1 महीना तक उसने ये पूरी प्रैक्टिस की है। उसके बाद और एक लड़का है जिसका वेट 93 kg था, स्वप्निल वाड़ो, इनका वीडियो भी है डाइटिंग का कैसे किया उन्होंने। तो बस ये इसलिए पॉसिबल हो रहा है कि ज्यादातर बच्चे प्रैक्टिस ज्यादा की है, और ये इवेंट का उतना कुछ लोड नहीं है उनके पर, मेरे ख्याल से यही रहेगा जी। तो हमारा ऐसा इस हिसाब से पीटी हुआ जिसमें 100 मीटर मैंने क्वालिफाई किया, 800 क्वालिफाई हुआ, लॉन्ग जंप फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर हुआ, और सबसे इम्पोर्टेंट लास्ट बट नॉट द लीस्ट शॉट पुट।